दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली है। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में आधा दर्जन से जो याचिकाएं आर्टिकल 370 के खिलाफ, वही पत्रकारों पर जिस तरह से घाटी में प्रतिबंध लगा है उसके खिलाफ याचिकाएं दी गई हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई कर ली गई है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आखिर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की बहस हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है इसके ऊपर। दोस्तों लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। दोस्तों सबसे पहली जो याचिका थी वो ये थी कि घाटी में जिस तरह से पत्रकारों को प्रतिबंधित किया गया है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जिस तरह की बहस हुई मैं आपको बता देता हूं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा हमें पता है जमीनी हालात कैसे हैं, ये बात कही गई है। दोस्तों आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में पत्रकारों के कामकाज करने पर प्रतिबंधों की याचिका की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है सुरक्षा एजेंसियां रोजाना स्थिति का जायजा ले रही हैं, हमें जमीनी हालात पता है, ये पहली बहस में कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ क्या कहा गया मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से आर्टिकल 370 को असंवैधानिक कहने वाली याचिका पर सीजीआई रंजन गगोई ने क्या कहा, यह आप सुन लीजिए। दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गगोई ने आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है यह कैसी याचिका है, मैंने याचिका को आधा घंटे पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये किस तरह की याचिका है। यानी कि सीजीआई रंजन गगोई कंफ्यूज हो गए हैं ये किस तरह की यानी कि याचिका दायर की गई है आर्टिकल 370 को जिस तरह से असंवैधानिक बताया जा रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है आज सुनवाई हुई है। वही आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों ये जो सुनवाई करने वाले जज कौन कौन से हैं, इसमें दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि रंजन गगोई, उसके साथ ही जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो चुकी है। दरअसल एक वकील की ओर से दायर याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 हटाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया था, जिसके ऊपर जो है सीजीआई ने कहा है ये मुझे समझ नहीं आता है ये किस तरह की याचिका है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं अब इसकी जो सुनवाई है वो अगले दिन होगी, यानी कि उसकी डेट फिक्स नहीं की गई है किस दिन होगी, क्योंकि 5 से 6 याचिकाएं ऐसी है जिस पे अभी और सुनवाई होनी है, जिसके लिए ये जो याचिका आर्टिकल 370 के खिलाफ दायर की गई थी इसको रद्द नहीं किया गया है, यानी कि अगली सुनवाई अब जो है फिर से कुछ दिनों के बाद की जाएगी। ये ताजा अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं उसका ट्वीट भी दिखा रहा हूं एनआई की तरफ से जो कहा गया है आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।